आती गुस्ती खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मेंद्र पांडे। और चुनावी माहौल है और इस माहौल के बीच में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आम जनता का जनता को रूबरू करवाना चाहता हूं जिन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से जनता के बीच में गरीबों असहाय और तमाम सारे लोगों का निरंतर सहयोग करते रहे और जनता के बीच में एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं क्षेत्र से। तो मैं ऐसे व्यक्ति से मैं आज सबको रूबरू करवाना चाहता हूं। आइए, मैं धर्मेंद्र सिंह के पास में हूं और मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि क्षेत्र की जनता और आपके बीच का जो सामंजस्य है राजनीति को लेकर के, वो कैसा है? पांडे जी, क्षेत्र की जनता जो है 302 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जो है लगातार पिछले 3 महीने से विगत 4 वर्षों से काम कर ही रहे हैं। सामाजिक कार्यों का बहुत से सामाजिक काम किए हमने, हेल्थ कैंप लगवाया और कोरोना काल में जो है लगभग 1 लाख सैनिटाइजर बंटवाया, मास्क बंटवाया, होली दिवाली पे हमने गरीबों को जो है उपहार दिया और ये तमाम काम उन्होंने किया। एक रणवीर इंटरनेशनल स्कूल है हमारा धनसा में, जिसमें लगभग 650 बच्चे हैं, जिसमें से 50 बच्चे प्रतिवर्ष हम लोग निःशुल्क उनको पढ़ाते हैं, फीस भी नहीं लेते हैं, ड्रेस देते हैं, कापी किताब सब निःशुल्क। उसके अलावा जो अभी चुनाव की घोषणा हो गई विधानसभा चुनाव की, उसके पहले 3 महीने से हम लोग लगभग 32 नए पंचायत हल्दौरी विधानसभा में, उसमें हम लोग ने कंबल वितरण का काम किया। हर न्याय पंचायत में लगभग 1000 कंबल का वितरण किया है और शायद किसी सरकारी योजना को छोड़ दें तो किसी भी प्राइवेट संस्था द्वारा ये इतना बृहद कार्यक्रम था। इसमें हिंदू युवानी के प्रकाश चौधरी हैं, हमारे अनु सिंह हैं, श्रीनेथ हैं, राजकुमार सोनी हैं, सोनू चौहान हैं, इन सारे लोगों ने मिलके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया। उसके बाद